भाई और बहनों, माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने, विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजन का अनुभव इन 5 वर्षों में किया है। दंगाइयों और दबंगों को खुली छूट देने वालों की सरकार ने सबसे बड़ा हित बहनों का, बेटियों का किया है। भाजपा दंगे की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में अब नहीं लौट सकेगा। बीते 5 वर्षों में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस में लगभग 1.5 लाख भर्तियां हुई है। इसमें और इससे पहले के 15 सालों में 1.25 लाख से भी कम भर्तियां हुई थी। इसमें भी अगर बेटियों की भागीदारी देखी जाए तो 2017 से पहले यूपी में 12,000 से भी कम महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि योगी जी की सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में 20,000 से अधिक बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। नारी की सुरक्षा, सम्मान और अवसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बहन बेटियां कह रही है फर्क साफ है। भाइयों और बहनों, जब मैं दंगाइयों को आए दिन बंदूक की नोक, चाकू की आनी पर खेल खेलने वाले लोग योगी जी के सरकार को सहन नहीं कर सकते, वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के तत्व अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सफल हुए तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है, वो पहले से ज्यादा बेफाम हो जाएंगे, वे और बर्बादी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है। ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है।